What is up people, welcome back with a new video after long time man. आज मैं जा रहा हूँ मंदी पोखरी, नहीं क्योंकि मेरा बाइक आज लेने जा रहा हूँ क्योंकि वो रिपेयर हो चुका है और मैं इतना दिन तक लेने नहीं गया क्योंकि रिपेयर ही नहीं हुआ था, उसका पार्ट नहीं मिला था मंदी पोखरी। सो मैंने थोड़ा सा पार्ट वाटी से मंगाया, थोड़ा पार्ट यहीं पे मिल गया और अभी लेने जा रहा हूँ मैं। लगभग 2 महीना हो गया ना, और फिलहाल राइट नाउ आई डोंट नो एक्चुअली ये जगह का नाम, और मैं हूँ अभी इस बाइक पे। दिस इज KTM 200, Duke 200, और एक्चुअली आई एम नॉट अ KTM लवर, क्यूट सा है ना। अभी आई डोंट मीन दैट आई डोंट लाइक KTM, आई लाइक दिस बाइक बट आई लव टू राइड, मतलब हुन्छ नि बजाजको बाइक, बजाज वाला बाइक। थोड़ा एज यू गाइस नो सर्विसिंग कॉस्ट एवरीथिंग, दैट्स व्हाई। और मैं मेरा डोमिनर लेके ना इसको वहीं पे छोड़ने वाला हूँ क्योंकि गास्केट से तेल निकल रहा है इसका, इसलिए इसको वो गास्केट चेंज करना है और मेरा बाइक लेके आऊँगा और इसको वहीं पे छोड़ के। चलो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से। और ये हुआ जो अपना डोमिनर, यहाँ पे साला गए से डोमिनर चलाते हैं, फिर उड़ाते हैं भाई। अब अंदर है इसमें से जस्तों दिखता है भाई, और यहाँ पे चलो अभी तो गाइस अभी हो चुका है अपना गाड़ी रेडी, और ये देखो अभी अपना बाइक को कितना मेहनत के बाद भाई साहब स्मूथ हो रहा है गाड़ी चलाने में। इसका बाल टूट गया था भाई, और इसके लिए हमको गुवाहाटी से सामान लेना पड़ा रे, इधर ढूंढते ढूंढते साला 2 महीने लग गया इसके लिए। मणिपुर में इतना क्या बोलो, अभी ये ढूंढ गया इतना नहीं दिखता था मणिपुर में, इसलिए ना पास भी थोड़ा कम ही है यहाँ पे, तो आई टू गो ऐसा नहीं समझ समथिंग प्रॉब्लम इन माय बाइक, गुवाहाटी से सामान लेना पड़ेगा भाई। इसलिए गाइस आई थिंक आज मैं ड्राइविंग दूसरा टाइप लेना पड़ेगा भाई, आराम से चलाता हुआ अभी। नो मोर विंग्स फॉर सम दिस सम मंथ, क्योंकि अपना टेक्निशियन लगा वाला है विंग ही मत मारो गाड़ी में, बाउट टू जाएगा विंग से, तो धीरे धीरे चलाएंगे भाई। अभी तो मेरा दिमाग की जो को ब्रेक पर डाल के स्टेट की जाते पड़ जाएगा भाई, अभी काम नहीं कर रहा है यार से। एंड गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, अभी हो रहा है शाम, रात होने वाला है, और मैं कल आते आते शाम हो गया था ना, तो रात हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया, तो आज मैं बना रहा हूँ। उसके मैंने क्या क्या चेंज किया था, इसका सेंस पॉकेट हो गया और हेड हो गया मैम को, और मैंने इसका क्लास का एक्सीलेटर का केबल चेंज नहीं किया, मैंने क्लास का केबल चेंज किया था, और लेके कल मैंने ये इंस्टॉल किया है, देख सकते हैं ना बढ़िया लग रहा है ना, और हाथ भी थोड़ा गंदा है, मैं काम किया था थोड़ा देर बाइक के लिए, फिट अच्छा से होता है भाई ये, बढ़िया है ना। और मैंने ये वाला आज रैपिंग किया था, लेकिन कलर मैच नहीं हो रहा है ना, थोड़ा सा दूसरा कलर हो गया, तो इसको मैं निकालने वाला हूँ फिर से। और मैंने क्या क्या चेंज किया था, हेड हो गया इसका, क्लच केबल चेंज पॉकेट एवरीथिंग। सो अभी मेरा ना इसमें गया था ब्राइस साहब, मैंने सोचा नहीं था इतना आएगा बोल के ना, इट कॉस्ट मी अराउंड 15,000, लेकिन बढ़िया है गाड़ी हो गया, इसमें खुश हूँ मैं। और क्या क्या था, मतलब अभी इसमें एक भी प्रॉब्लम नहीं है भाई गाड़ी पे, जो मैंने शेडल के लिए बनाया था ये अच्छा है ना, कंपनी जिस लग रहा है ना जुगाड़ है भाई। और पीछे मैंने इस तरफ
ये वाला यहाँ पे ना ऐसे करके लगाया था, दिख रहा है अच्छा से। चलो गाइस अभी हो गया, बाइक भी आ गया। चलो अभी इसका भी यहीं पे एंड करते हैं।